welcome to my class in this particular video lecture we will talk about basics of powerpoint this is part 1 लेट्स स्टार्ट विथ पावर पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वट आर अवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की सेकेंड इंट्रोडक्शन थर्ड मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन फोर्थ uses of powerpoint fifth we will talk about some advanced slides let's move on to the background powerpoint is a presentation program created by robert gaskins and dennis austin in milke powerpoint program co when they were working in a software company named forethought incorporation. It was first released on April 20, 1987, for Macintosh computers only. Later Microsoft acquired PowerPoint program. Now it is a standard component of the company's Microsoft Office Suite software. स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ यह सूट का क्या मतलब है जब हम एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे कर दें तो हम एक बड़े प्रोग्राम को नाम देते हैं सूट माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑफिस के बहुत सारे प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स को इकट्ठा कर दिया और उन्हें नाम दे दिया ऑफिस सूट नाउ दिस ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ एम एस वर्ल्ड प्रोग्राम एम एस एक्सल एम एस पावर पॉइंट

द सेकेंड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन इन जनरल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रजेंटेड इन टेक्स्ट एज वेल एज इन विजुअल इमेज द ह्यूमन ब्रेन कैन अंडरस्टैंड क्विकली एंड रिटेन कॉन्सेप्ट लर्न थ्रू विजुअल्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिन चीज़ों को हम चित्रों की मदद से देखते हैं इमेज की फोटोग्राफ्स की मदद से देखते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक स्टिक करते हैं लेकिन अगर सिंपली टेक्स्ट को ही पढ़ा जाए तो टैक्स एक तो बोरिंग लगता है दूसरा इसको रिटेन करना लंबे समय के लिए काफी मुश्किल हो जाता है पावर पॉइंट के जरिए हम विजुअल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर इट इज यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स फॉर यूजर्स अगर आप इस प्रोग्राम को यूज करते हैं तो आप प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेश को बना सकते हैं द थर्ड पॉइंट इज मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेन्ज्ड इन ए सीक्वेंशियल मैनर टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन इंटरेस्टिंग फॉर्म जब हम बहुत सारी स्लाइड्स लेके उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर इकट्ठा कर दें ताकि इंफॉर्मेशन को हम इंटरेस्टिंग तरीके से दे सकें तो हम इस चीज को नाम देते हैं प्रेजेंटेशन बट हियर कम्स अ क्वेश्चन वट इज अ मीनिंग ऑफ स्लाइड ए स्लाइड इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ओवर ए टॉपिक आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेज को देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम नाम देंगे वन स्लाइड सो स्लाइड इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ओवर ए टॉपिक ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर देते हैं नाउ व्हाट आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ पावर पॉइंट ये हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन मकसद ही यही है मैं आपको पावर पॉइंट के डिफरेंट यूजेस को बतलाऊं फर्स्ट वन इज एनिमेशन कैन बी इंसर्टेड आप अपने सामने एक एनिमेशन को देख रहे हैं एक सैटेलाइट अर्थ के पास रिवॉल्व कर रहा है सिमिलर टाइप ऑफ एनिमेशन कैन बी सीन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर नंबर ऑफ सैटेलाइट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ नेक्स वन इज साउंड कैन बी इंसर्टेड यहां पर आप लाइटनिंग की साउंड को सुन सकते हैं द नेक्स इज म्यूजिक कैन बी इंसर्टेड हम पावर पॉइंट के अंदर म्यूजिक को इंसर्ट कर सकते हैं

स्टिल पिक्चर कैन बी इंसर्टेड आप अपने सामने एक स्टिल पिक्चर को देख रहे हैं मैं स्टिल पिक्चर के अंदर एक और पिक्चर को इंसर्ट करूंगा एज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी इंसर्टेड मैं आपके सामने बहुत क्विकली ब्रेक इवन पॉइंट के चार्ट को बनाऊंगा आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अपीयर कर रही हैं दे आर विद द क्लिक ऑफ माउस जैसे जैसे मैं माउस को क्लिक करता जा रहा हूं आप इसके अंदर चेंजेस देखते जा रहे हैं द टोटल कंट्रोल इज इन माई हैंड आई कैन ड्रॉ दीज लाइन्स इन द क्लास ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स दिस मेक्स अवर ब्रेक इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वी कैन मेक प्रेजेंटेशन लाइक दिस इन नंबर ऑफ वेज द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आप देख रहे हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को यहां पर ड्रॉ किया जा रहा है और अब इसके बाद एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ कर दिया गया द क्लास यू कैन डू इन मिनट्स ऑफकोर्स इनके बनाने के अंदर कुछ स्किल भी चाहिए बहुत सारा टाइम भी इन्वॉल्व है दे कैन बी ऑफ गुड इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज टू टीचर्स, जी पॉइंट थ्री डी ऑब्जेक्ट कैन बी इंसर्टेड बहुत सारे थ्री डी ऑब्जेक्ट्स नेट के ऊपर आपको फ्रीली अवेलेबल है आप उनमें से अपनी मतलब के थ्री डी ऑब्जेक्ट को चूज कीजिए आप अपनी प्रेजेंटेशन को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं एच पॉइंट शेप्स एंड आइकॉन्स कैन बी इंसर्टेड माइक्रोसॉफ्ट ने प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इन बिल्ड शेप्स और आइकॉन्स दे दिए यू कैन मेक यूज ऑफ दो आईकॉन्स एंड शेप्स आई स्मार्ट आर्ट कैन बी इंसर्टेड नंबर ऑफ इन बिल्ड स्मार्ट आर्ट प्रोग्राम्स आर देयर यू कैन मेक यूज ऑफ दीस स्मार्ट आर्ट objects according to your requirement. J. Different symbols can be inserted. Euro sign, rupee symbol, sigma, pound, telephone. इस program के अंदर बहुत सारे symbols आपको दिए गए हैं और different requirements के accordingly आप इनका use कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका साइज इंक्रीज कर दीजिए डिक्रीज कर दीजिए इनका कलर चेंज कर दीजिए इट इज़ अप टू यू इवन कस्टमाइज टेबल कैन बी इंसर्टेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप सिर्फ रो और कॉलम को डिसाइड कीजिए कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए पावर पॉइंट प्रोग्राम आपको इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कस्टमाइज टेबल्स इंसर्ट करके दे देगा इनके कलर्स को भी चेंज किया जा सकता है इनकी लेंथ विड्थ को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज कर सकते हैं एल पॉइंट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस कैन बी इंसर्टेड आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ यहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को टेकअप किया है जो टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं या जो स्टूडेंट मैथ्स के हैं वो इस सॉफ्टवेयर को बहुत कन्वीनियंस के साथ यूज कर सकते हैं आइएगा अब मैं आपके सामने इन सभी पॉइंट्स की समरी लूंगा वी कैन इंसर्ट एनिमेशंस वी कैन इंसर्ट साउंड वी कैन इंसर्ट म्यूजिक वीडियोस कैन बी इंसर्टेड आप एक छोटी सी वीडियो देख रहे हैं यहां पर इंसर्ट की गई है पीछे बैकग्राउंड के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्लाउड मूव कर रहे हैं स्टिल पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड एफ पॉइंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैन बी मेड जी थ्री डी कैन बी इंसर्टेड एच

अब मैं आपके सामने कुछ एडवांस स्लाइड्स को टेकअप करूंगा सिर्फ आप इनको देखेगा कि ये चीजें पॉसिबल हैं और थोड़ी सी हम कोशिश करें तो हम ऐसी स्लाइड्स भी बना सकते हैं इस स्लाइड को मैं यहां पर आपके सामने क्विकली इस स्लाइड को प्रिपेयर करूँगा दिस इज विद द क्लिक ऑफ माउस मैं ये एक मासलो नीड खैर को आपके सामने बना रहा हूं जो चीजें स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं देती वो चीजें यहां पर देखने में उसके नॉलेज को भी इंप्रूव करेंगी और उसका इंटरेस्ट भी इन चीजों के अंदर क्रिएट करेगी नाउ दिस इज मास्लो नीड हायर की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक मॉडल को यहां पे डिजाइन किया गया है दिस इज विद द क्लिक ऑफ माउस मैं टाटा मोटर्स का SWOT एनालिसिस टेकअप करूंगा एक्सप्लेन कुछ नहीं इसके अंदर किया जाएगा सिंपली एक प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाई जा सकती है मैं आपको कुछ इसके ऊपर टिप्स दे रहा हूं सिंपली टेक्स्ट को लिख देना इट इज आप नो यूज अगर इन विजुअल्स को आप ऐड करते हैं देन यू मेक योर प्रेजेंटेशन लुक ब्यूटिफुल इसके साथ साथ जो आपके पॉइंट्स हैं आप उनको भी चाहें तो स्लाइड के अंदर दे सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं लास्ट के अंदर शॉर्ट के ऊपर हमने एक सर्कल दे दिया कि हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है न वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन इट मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट बट इन ऑर्डर टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट we need to have certain essential elements, and the first one is competent party. second one, free consent. the third one, consideration. the fourth one, lawful object. and the last one is not declared to be void. elements a contract becomes a valid contract. now it becomes very easy for the student to understand. कि कैसे एग्रीमेंट से चले और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक हम पहुंच सकते हैं यहां पर मैंने एक स्लाइड के अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स को टेकअप किया है बैकग्राउंड के अंदर क्लाउड मूव कर रहे हैं दिस इज सेक्शन 68, सेकंड पॉइंट के अंदर सेक्शन 69, नाइन द थर्ड पॉइंट सेक्शन 70, द फोर्थ पॉइंट 71 The next point 72 Indian contract and the ye quasi contract ke, different sections. Now, here you can see that the moving C. Of course, initially it was very difficult for me to make this, but fortunately, uh, this particular presentation I made it. आप यहां पे जो टेक्स लिखा है उसको मत देखिएगा इसको ये देखिए कि इसको कैसे बनाया गया है जैसे जैसे इसके अंदर फोर बार्स मूव करेंगी एक एक पॉइंट आता जाएगा एंड दिस कैन मेक योर प्रेजेंटेशन लुक यूनिक दिस इज अनदर स्लाइड इन विच हैंड इज होल्डिंग Globe. अब इसको देखिएगा पूरे इंडिया के मैप को हमने यहां पर असेंबल करना है इस प्रेजेंटेशन के अंदर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कट ऑल डिफरेंट स्टेट्स सो प्रिसाइजली कि बाद में उनको जोड़ा भी जाना है सो so, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगी लेकिन ये मेहनत सिर्फ एक ही बारी की है आप एक बारी इसकी मेहनत कर लेंगे उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज को आप हमेशा के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं यस फर्स्ट टाइम तो ये मुश्किल लगता है लेकिन ग्रेजुअली यू कैन डू दैट सारे कंपोनेंट्स को सारी स्टेट्स को एक मैप में से काटना फिर उसके बाद इनको एक सीक्वेंस के अंदर एक के साथ एक को मर्ज करना उ दिस मेक्स आवर इंडियन मैप कंप्लीट पान यहां पर कुछ एक डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन को मैं शो करा विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग बाय इंडियन रेलवेज डेली कैलकटा चेन्नई एंड जामनगर इन गुजरात यहां पर चार कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जा रहा है इन, ये कंप्यूटर्स ग्लोबल सर्वर हैं। इनके साथ लोकल सर्वर्स अटैच कर दिए गए इन लोकल सर्वर के साथ अब डेली रेलवे स्टेशन के अंदर पीसीज़ को भी अटैच किया जा रहा है सो so, स्टूडेंट्स को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है इट कैन बी ग्रेट हेल्प टू यू ये एक डिफरेंट तरह की स्लाइड है आप देखिएगा कि एक ट्रेन एक टीवी से बाहर आ रही है जस्ट थिंक ओवर इट कि इसको कैसे किया गया है जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड देयर आर नंबर ऑफ प्लेन्स विच आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन इनके अंदर ये प्लेन्स लिए गए हैं इनकी टाइमिंग को एडजस्ट किया गया है डिले को एडजस्ट किया गया है इनका पार्ट डिफाइन किया गया है इनकी स्पीड को कंट्रोल किया गया है ताकि कोई किसी के पाथ के अंदर ना आए कभी तो आपको लगेगा कि कोई भी प्लेन नहीं है और किसी टाइम के ऊपर आप यहां पर छः से सात प्लेन को इकट्ठा एक ही टाइम के ऊपर देख सकते हैं आई मूव टू द नेक्स्ट slide। इस स्लाइड के अंदर आप फाइटर एयरक्राफ्ट्स को मूव करते हुए देख सकते हैं पीछे क्लाउड्स भी मूव कर रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर एक पर्टिकुलर क्लॉक को बनाना इट अपीयर्स टू बी ए जोक लेकिन यहाँ पर एक क्लॉक को डिजाइन किया गया है और इसके अंदर नीडल्स की मूवमेंट ऐसी रखी गई है जैसे कि एक रियल क्लॉक की मूवमेंट हो अगर आप अपनी घड़ी के अंदर देखेंगे कि जैसे ही ये बड़ी वाली निडल अपना सर्कल पूरा करेगी तो ये ऊपर वाली निडल पूरे एक पॉइंट के ऊपर आ जाएगी इस वॉच की मूवमेंट को आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉच की मूवमेंट के साथ मैच कर सकते हैं जैसे ये एक पूरा सर्कल लेगी आप देखेंगे कि ये वाली निडल पहले वाले पॉइंट को टच कर जाएगी और ये वॉच ऐसी है जिसके अंदर कोई सेल नहीं चाहिए कोई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग भी नहीं है नाउ यू कैन सी दैट आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज फैंटास्टिक आप यहां पे क्लाउड्स को मूव करता हुआ देख रहे हैं और पीछे से कुछ बर्ड्स की आवाज को सुन रहे हैं मैं कुछ ही सेकंड के अंदर इसको जंगल के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा नाउ सी दैट इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी हैव कन्वर्टेड ए सिंपल प्लेस इनटू ए बिग जंगल सिमिलरली इस स्लाइड के अंदर भी आप देखेंगे कि किताब के अंदर एक जंगल क्रिएट किया जा रहा है दिस इज अ बुक इन फ्रंट ऑफ मी जैसा कि मैंने आपसे कहा था थ्री डी ऑब्जेक्ट्स दे आर अवेलेबल ऑन द नेट यू कैन मेक यूज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन टू यूर प्रेजेंटेशन एंड इट विल मेक योर प्रेजेंटेशन लुक ब्यूटिफुल इस स्लाइड को भी देखिएगा। इट शोज दैट ए हैंड इज कमिंग आउट ऑफ योर लैपटॉप इस स्लाइड के अंदर यह लगता है कि एक प्लेयर लैपटॉप से बाहर आ गया है इसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप एक और वीडियो को देख सकते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर इंटरनेट को डिफाइन किया जा रहा है और यह एक वीडियो दूसरी वीडियो के अंदर वर्क कर रही है इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर ग्रेडियंट्स को यूज किया गया है यू कैन गिव सो मच ऑफ कलर इफेक्ट्स इन टू योर प्रेजेंटेशन दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ब्यूटिफुल ग्रेडियंट्स कैन बी मैनेज और अब मैं आपके साथ बात करूंगा मार्फिंग की ये ऑब्जेक्ट पावर पॉइंट के अंदर ही क्रिएट किया गया है

एक ऑब्जेक्ट को आप किसी भी डायमेंशन के अंदर शो कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर शो कर सकते हैं दिस वॉज ऑल विद द क्लिक ऑफ माउस अब ज़रा इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखिएगा मैं यहाँ पर सिक्स पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे ही मैं माउस का क्लिक करता हूँ ये पॉइंट्स आप यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं आप यहाँ पर अपना कुछ भी टेक्स्ट दे दीजिए इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अब ये मैं लास्ट के अंदर आपको कुछ यहां पर शो करूंगा मेरे पास एक रेक्टेंगल है मैंने स्माइली में कन्वर्ट कर दिया विद द क्लिक ऑफ माउस नाउ दिस इज द स्टार दिस इज द रेक्टेंगल ओ नाउ दिस बिकम्स द हार्ट विद द क्लिक ऑफ माउस इट बिकम्स थ्री डी बॉक्स दिस इज नो सिग्नल

बोरिंग लगता है उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग बना के प्रेजेंट किया जा सकता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपकी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर नॉलेज बहुत इम्प्रूव करेगी और आप कोशिश करेंगे कुछ और बेहतर बनाने की थैंक यू वेरी मच ये सारी वो साइट्स हैं जहाँ से डिफरेंट पिक्चर्स को लिया गया है